कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। एंड कल हमने जहाँ से ये ब्लॉग बंद किया था वहाँ से वापस ऑन कर रहे हैं। हम दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं एंड यहाँ एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। चले, वाह, आज तो मम्मी लगता है मस्त लग रही है, दूसरे ही रूप में देखने को मिल रही है आज मम्मी लोग। अभी फिलहाल हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, बट यहाँ अभी इतना अच्छा लग रहा है, सब अभी अपना अपना पैर पानी में लगा के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सब लोग अभी यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन। हाँ हाँ, सूज पहन लो। सो गाइस, हम बहुत घूमे और हमें भूख लग गई थी तो मम्मी यहीं पे मस्त आग जला के और खाना बना रही है। अभी देखते हैं मम्मी, मम्मी क्या बना रही हैं आप? अभी तो पुलाव, पुलाव बन रहा है अभी तो, और उसके बाद हम अभी यहाँ नहाएंगे, है ना जयश्री? हाँ, और ऐसे खाएंगे तो ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मम्मी लोगों की तरफ से। अब तो बड़ी आना चाहिए यार, कितने अच्छे से आग जल रही है। क्या मम्मी लोग बढ़िया पुलाव बनाने की मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, बताइए गाइस। एक तो जो आग है ना वो बार बार बुझ जा रही है, तो मम्मी बार बार लकड़ी तोड़ तोड़ के ला रही हैं और उसको कैसे भी करके आज पकाने की कोशिश में है, बस वो पकने ही वाली है। ओ! पूरी व्यवस्था के साथ आए हुए हम लोग, यहाँ स्पीकर में गाना भी बज रहा है और इधर डांस भी हो रहा है, खाना भी बन रहा है, इधर रील्स भी बन रही है, इधर मस्ती भी हो रही है। ये क्या माहौल चल रहा है, देख लो भाई, मम्मी देख लीजिए, जयश्री बुला रही है। इतना अच्छा माहौल चल रहा है गाइस, मतलब मज़ा आ रहा है। पानी भी ये हम लोग मस्त पैर डाल के बैठे हुए हैं, उधर रानी और देव नहा रहे हैं, इधर मम्मी और इनकी दीवे लगे हुए हैं किचन बना के और जो अपने अपना ब्लॉग ले रही है। ये खाना कितना अच्छे से बन रहा है, देखिए गाइस। पैर मेरा स्लिप हो गया था यहाँ पर गाइस, देख सकते हैं मेरा आधा शूज डूब चुका है। ये थी पीछे जो इन्होंने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। आराम से रहें, और इन्होंने भी चेंज करके देखिए पहन लिया है पूरा फूलों वाला लोअर। जयश्री ने भी चेंज करके पहन लिए लोअर। क्या कर रही हो, पटक रही हो, पटक रही हो, का है? और वहाँ पर देव और अनी कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती। हम लोग भी नहाने के लिए उसी स्पॉट पर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा पानी है। Oh,
उसके पास पैसा अपने सीटी आ चुकी है, खाना बन चुका है, खुशबू आ रही है मम्मी को पुलाव की, तो बस बन गया है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे मस्ती यहाँ पे हम लोग सब वेट कर रहे हैं। ये सीटी आ गई ये हमारा पुलाव हो चुका है रेडी, टेस्टी अच्छा बन गया ना मम्मी। आर यू गाइस रेडी फॉर द पुलाव? यस, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हां मत देना, हमारा पुलाव रेडी हो गया है और भूख बहुत तेज से है, ये आवाज भी इतनी तेज है कितना ही। और हमने हमारे साथ में लेकर आया था हैंड वॉश, क्योंकि हमें पता था जंगल एरिया है, खाना खाने के लिए जैसे हैंड वॉश अच्छा हैंड वॉश। हम लोगों ने लकड़ी वगैरह वो की है ना, तो उधर कर लेना तो वो बह जाएगा पानी। भैया हैंड वॉश कर लीजिएगा। यहाँ पे मम्मी लगा रही हैं। सो इधर मम्मी कर रही है सैलेड कट, मम्मी सलाद कट काट रही है और इधर खाना लग रहा है। हाँ मम्मी, हाँ सो यहाँ पर हम सभी लोगों का हो चुका है लंच, वो भी बड़ी मन्नतों के बाद, लेकिन टेस्टी खाना खाने को मिला है। और अब सब जा रहे हैं बढ़िया, ये जितना भी पानी है ना इसी में बढ़िया लोट लोट के नहाएंगे हम लोग। चलिए खूब नहाते है ना। तो गाइस यहाँ से आ रहा है पानी और जस्ट यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं भी बैठा हुआ हूँ गाइस, लेट गई हूँ तो मजा आ रहा है, सब नहा रहे हैं। ये फाइनली स्टार्ट हो गई है इनकी मस्तियाँ। मम्मी बढ़िया आराम से नहा रही है गंजी से पानी ले लेके। और हमारा जो सामान है वो वहां पर रखा हुआ है। डायमंड दा चला ले दो मुझे। कितना अच्छा लग रहा सनसेट, प्यारा सनसेट बहुत टाइम पे। गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं, खूब नहाए, खूब पूरे बाल गीले हैं, खूब मस्ती की है, बहुत मजा आई। काफी समय से हम लोग पिकनिक की प्लानिंग कर रहे थे एंड फाइनली आज खूब घूमे हैं, खूब मस्ती किए हैं, खूब मजा आया, बहुत ज्यादा ट्रैकिंग भी हुई है। तो मतलब आज का दिन ओवरऑल ट्रैकिंग वाटरफॉल सब चीज का मजा लिए यार। और जो मतलब पिकनिक स्पॉट पे जाकर कुछ बनाकर खाने का जो मजा है ना, सच मजा आ गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों मम्मी लोग साथ में थी तो और ज्यादा मजा आ गया। हाँ। और
बाद फिर हम सभी लोग, इतने सारे लोग एक साथ एक पिकनिक पर आ रहे हैं दो यूट्यूबर्स फैमिली के साथ, तो और ज्यादा मजा आया। बहुत जल्दी एक नेक्स्ट ट्रिप और हम लोग प्लान करेंगे जिसमें और ज्यादा मजा करेंगे, और वो भी हम प्लानिंग करेंगे ऐसी संडे के आसपास। तो अभी गाइज हम लोग रुके हैं चाय नाश्ता के लिए, क्योंकि सबको थोड़ी थोड़ी थकान हो रही है। तो मैं तो पीऊंगा कोल्ड ड्रिंक, तुम क्या पियोगी? कोल्ड ड्रिंक? हाँ, खीर खाना है, खीर खाना है, नहीं जो मन होगा वो बता दीजिएगा। जय चाय कोल्ड ड्रिंक। चाय 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 चाय। तो चाय वाले भी हैं, कोल्ड ड्रिंक वाले भी हैं, और खीर वाले भी हैं यहाँ पर लोग। इन्हें खीर पीना है, खीर खानी है। तो चले हम लोग देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पर क्या मिल सकता है। लेट्स सी, क्या लेंगे? चाय? मैं तो चाय। चाय? ये लोग पूछना पड़ेगा कौन? रिंकी दीदी, कॉफी। कॉफी है ना? कॉफी तो बच्चा पार्टी कुछ नहीं। चाय कौन क्या लेना है? कॉफी ये तो पता नहीं। ये तो पीने के बाद ही पता चले। देखते हैं। कॉफी पी लीजिए ना, सब जगह अच्छी नहीं बनती है ना ये चीज़, ऐसी है कि हमेशा इसका सेम टेस्ट रहेगा, तो इसलिए तो सब जगह नहीं बनती, घर की पीते हैं, इसलिए तो घर की पीते हैं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। किसमें? नहीं डिस्पोजल, डिस्पोजल दे दीजिए। अंधेरा थोड़ा होता ना तो रोड भी इतना खराब है ना कि वो प्रॉब्लम थी, तब चेंबर फोड़े ही गाड़ी के पता ही चलता। चीयर्स। चीयर्स दे। अच्छे है ना, और भी लीजिएगा। जया अपना आइटम ले आई फिर से। अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, एंड यहाँ से हमें पहुँचने में हाफ एन आवर से ज़्यादा लग जाएगा। अराउंड 22 किलोमीटर समथिंग है ना, 45 मिनट्स का अप्रॉक्स लग जाएगा। एंड अब थकान जो है वो धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि जो है मतलब दिन में भी एकदम धूप धूप में आए थे, पूरा दिन हम लोग धूप में ही रहे हैं ना, तो अब जो हेडेक हो रहा है। लेकिन हाँ, कोल्ड ड्रिंक पिए हूँ मैंने, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है, अदरवाइज अब मतलब गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जया पीना कोल्ड ड्रिंक? गाइज उन्होंने फर्स्ट टाइम में चाय ला कर दिए तो बेकार, हमने तीन चाय ऑर्डर किए थे तो तीनों में से एक ही मम्मी ने पी, वो भी टेस्ट कर ली थी, बाकी दोनों हमने फेंक दिए है ना। और क्या बोलते, कॉफ़ी जो थी ना वो तो उससे भी बेकार थी, फिर उन्होंने थोड़ा सा उसमें कॉफ़ी वगैरह डाला एंड फिर उसको मतलब ठीक करके दिया, तो भी मज़ा नहीं आया। फिर उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी अच्छी कॉफ़ी बना कर ला कर दी, और वो तो गाइस उससे भी ज़्यादा बेकार वाली थी, जगह की बेकारी होती। बहुत कम ही ढाबे होंगे ऐसे जहाँ पर कोई अच्छी टेस्टी चाय या कॉफ़ी बनाता सच। तो अब यहाँ से इन लोगों का टेस्ट बेकार हो गया, पर अच्छा है। नहीं आपके लिए तो दिल में जगह है, गाड़ी क्या चीज़ है। कैसी लगी आपको टेस्टी चाय कॉफ़ी पी? दो बार आपको पिलाए हैं आपको टेस्टी कॉफ़ी ना। बहुत ही टेस्टी कॉफी तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पी। एक बार तो मैंने कॉफी डाली कि हमने मतलब मैंने खीर नहीं मंगाई, मैंने दीदी यहाँ स्पेशल खीर लिखा हुआ था, मुझे लगा एक बार ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट टाइम सो गाइस हम सभी लोग पहुंच चुके हैं घर, और फिलहाल जया बना रही है सबके लिए चाय और कॉफी। जया मैं भी थोड़ी सी कॉफी पी लूंगा। हाँ मम्मी
कॉफी पी रही है। आज तो मजा ही आ गई है ना, एंड सब इतने थके हारे हो गए हैं। मम्मी के हाथ में मधुमक्खी है, काट ली थी तो यहाँ पर इधर और इधर, यहाँ पर मम्मी को मधुमक्खी ने काट ली थी। और अच्छा था कि चाबी थी गाड़ी की, और हमारे पास जो वो जेक वाला पाना होता है वो था, उसको घिस लिए थोड़ा लोहे का, तो उससे काफी रिलीफ मिल गया, नहीं तो और वो हो जाता है। सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड अगर आपने एंजॉय किया होगा तो जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए।